गाइस, मैं खुशी, वेलकम टू द न्यूज टक चैनल। एक टीचर का हो गया है ट्रांसफर और उस गांव के पूरे लोग रो रहे हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया है और उसी के साथ बच्चे उनको बोल रहे हैं कि सर हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो ज्यादा ज्यादा कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए भी जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। गाइज, शिक्षा बहुत ही ज्यादा जरूरी है और अगर वहीं पर छोटे छोटे गांव हो और वहां पर स्कूल वगैरह हो तो बहुत सारे ऐसे टीचर्स होते हैं कि वहां पर ट्रांसफर लेना ही नहीं चाहते, वहां पर आना ही नहीं चाहते और अच्छे टीचर्स वहां पर पहुंचते नहीं है और अच्छे टीचर्स वहां पर पहुंचते नहीं है तो इसी का कारण ये भी होता कि बच्चे भी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं देते हैं और वहां पर स्कूल भी जाते नहीं है। तो उनके माँ बाप भी इतने पढ़े लिखे नहीं होते कि वो इतनी शिक्षा की इंपॉर्टेंस समझ सके। तो उसी के साथ अगर कोई भी ऐसा शिक्षक ऐसे गांव में चला जाए जहां पर बच्चे बहुत ही कम पढ़ते हैं और स्कूल आने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं और वो एक ऐसा टीचर वहां पर पहुंच जाए जो कि बच्चों को इस तरीके से पढ़ाई की लत लगा दे, तो उस टीचर के ट्रांसफर पे तो सब लोग रोएंगे ही। ऐसे ही एक टीचर की ट्रांसफर हो गई है और वो ट्रांसफर के बाद उस गांव के इतने सारे लोग, जो भी लोग हैं वहां पर रहने वाले, उनकी ट्रांसफर की जो पार्टी हो रही थी उस वक्त वो सब लोग वहां पर पहुंच के उनको छोड़ने के टाइम पे रोने लग गए और उसके बाद बच्चे भी फूट फूट के रोने लग गए और बस बोलते ही रहे, सर आप मत जाओ, आप क्यों जा रहे हो, आप यहीं पे रहो। उस टीचर का नाम है लोकेश कुमार और मीना गुना जिले के रहने वाले हैं और उनका ट्रांसफर छांछड़ जिले में हुआ है, मतलब कि अपने उनका घर जहां पर है उनके नियर बाय ही वहां पर उनका ट्रांसफर हुआ है। उसकी वजह से तो कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश है कि वो अपने घर के नजदीक जा रहे हैं और अपने परिवार को हर रोज मिल पाएंगे और अपने परिवार के साथ रह पाएंगे, पर उसी तरीके से गाँव वालों की ये चिंता बनी हुई है कि अगर वो टीचर, इतना ज्यादा अच्छा टीचर उस गांव से चला जाए तो उसके बाद इस गांव की शिक्षा का क्या होगा। जब वो उस गांव में गए थे, बच्चों को लत लगाई थी पढ़ाई की और उसके बाद जो बच्चों की पढ़ाई लिखाई थी उसमें बहुत ज्यादा सुधार आया था और उसके बाद इनकी ट्रांसफर हो रही है और ट्रांसफर के साथ बच्चे भी इतना ज्यादा रो रहे हैं, तो आपने कभी कभार देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर उनको स्कूल ना भेजा जाए तब बहुत ज्यादा खुश होते हैं और पढ़ाई लिखाई से दूर भागते हैं और कभी पेट दर्द होने का बहाना लगा देते तो कभी सर दर्द होने का बहाना लगा देते कि उनको स्कूल ना जाना पड़े। उसका कारण क्या होता है? या तो एक कारण ये होता है कि उनको पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट नहीं है, या तो एक कारण ये होता है कि उनकी टीचर अच्छी नहीं है या कोई उनका सर अच्छा नहीं है। तो उसी तरीके से अगर इस तरीके के टीचर हो तो कोई भी स्कूल जाना पसंद करे और वहां पर रहना पसंद करे और उनसे सीखना पसंद करे, क्योंकि इनका एक अंदाज ही ऐसा था जो बच्चों को जिस तरीके से सिखाते थे, जिस तरीके से समझाते थे, उन बच्चों को वो ही तरीका बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था। सो गाइज, अगर आपको आज की न्यूज सुन के अच्छा लगा, इस टीचर के बारे में जान के अच्छा लगा, हमें कमेंट कीजिए। और अगर आप पढ़ाई किए हो, कॉलेज गए हो, स्कूल गए हो, तो उस वक्त आपकी जो फेवरेट टीचर थी और अपना एक्सपीरियंस अपनी फेवरेट टीचर के साथ प्लीज हमारे साथ एक कमेंट के रूप में जरूर शेयर कीजिए और जाते जाते एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज लेके आ पाए। इसी के साथ मैं लेते हैं इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।